बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है, इसके टॉपिक है कि अस्टर लैब जो है इसमें काफ़ी फ्राड हो रहा है। तो अभी रिसेंटली ऐसा ही हुआ है, मैंने भी कुछ चिक्स लिए हैं, हालांकि मेरे पास अपने अस्टर लैब के ब्रीडर थे मगर वो मैंने सेल कर दिए थे। तो फिर मैंने तकरीबन 50 एक चिक्स ये बाहर से लिए थे। तो देखिए माशाल्लाह सारों की अच्छी ग्रोथ हो रही है और सारे एक्टिव और हेल्दी हैं, मगर इसमें कुछ मसला ये है कि ये ना मिक्स ब्रीड में है। किसी के परों के ऊपर वाइट डब्बे आ गए हैं, किसी के ऊपर रेड डब्बे आ गए हैं। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो भी भाई अस्टर लैब परचेज़ करे, वो किसी ऐसे एतमाद वाले बंदे से आपने चिक्स लेने हैं जो कि आपके एतमाद वाला हो। क्योंकि ये देख लें ये क्या सूरत हाल है कि इनके ना परों के ऊपर अजीब ना सुरख सुरख डब्बे निकल के आ रहे हैं, किसी के ऊपर वाइट आ रहे हैं। वो देखे पीछे जैसे एक बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे प्ले माउथ राख है। तो ये ऐसे ही है कि किसी ने बीच में मिक्स ही रखे हुए हैं, अस्टर लैब भी, RIR भी और प्ले माउथ राख भी, जो मेरा आइडिया है। क्या पता इसके अंदर गोल्डन मिस्ट्री का भी क्रॉस हो, मगर ये प्योर ब्रीड नहीं है। हालांकि मैंने रखने नहीं थे, मैंने आगे सेल करने थे, मगर अब मैं ये सेल नहीं करूंगा क्योंकि मैं जिस भाई को भी दूंगा उसके साथ भी ये फ्राड ही है। ये देख लें आप, ये सामने वाला चिक्स, इसके परों के ऊपर डब्बे आ गए हैं। इसी तरह वो पीछे एक चिक्स है, तो ये मैं आपको ये इस जगह पे एक चिक्स है, वो पीछे दीवार के साथ। तो इसके परों के ऊपर ये देख लें, इसके परों के ऊपर रेड रेड शेड आ रहे हैं। और इसी तरह एक चिक्स ये जो खाना खा रहा है, ये देख लें, ये सही क्लियर नज़र आ रहा है। इसके ऊपर रेड रेड डब्बे आ गए हैं, ये इसके ऊपर वाइट वाइट डब्बे आ गए हैं। तो जो प्योर अस्टर लैब ब्रीड होती है फ्रेंड्स, उसकी आगे चेस्ट थोड़ी सी वाइट होती है जैसे वो पीछे है, मगर ऊपर से बिल्कुल प्योर ब्लैक होता है। हाँ, उसके एक दो पर वाइट आते हैं मगर वो वक्त के साथ साथ ब्लैक हो जाते हैं। तो इसमें अस्टर लैब भी हैं, ये देख लें, जैसे कि एक दो पीछे घूम रहे हैं, ये प्योर अस्टर लैब है, मगर इसमें क्रॉस ब्रीड भी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा धोखा फ्रॉड हो रहा है। तो खुदाया जो बंदे वीडियो देख रहे हैं जो कि अपना जिनके सेटअप है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने ये गलत काम किसी के साथ नहीं करना। क्योंकि कोई भाई बड़े शौक के साथ एक चीज़ लेता है और अगर उसमें ये चीज़ निकल आए तो अगले बंदे के साथ एक धोखा है, तो उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो खुदाया अपने रिजक या लाल कमाई है, उसमें बरकत भी है, थोड़ा मुनाफा होगा मगर बरकत वाला होगा। तो ये जैसे ये गोल्डन मिस्ट्री के क्रॉस मेरे पास आ गए हैं, मिक्स ब्रीड में आ गए हैं, तो ऐसी ब्रीड आप किसी को भी ना लें। और लेने वाले भाइयों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने ये अस्टर लैब किसी भी या RIR या कोई भी आपने ब्रीड लेनी है, वो अपने एतमाद वाले बंदों से लें। आगे पाशे जो जो डीलर हैं, इन डीलर से भी बचिए, क्योंकि जब फ्रॉड हो जाता है तो फिर बना क्या किसी को कि यार ये वापस लो ले यार, रखो या नहीं रखो। तो वापस करने का बना वापस भी कराया था, बहरहाल एक मेहनत होती है, वो ज़ाया हो जाती है। तो अभी जो तकरीबन एक ईमान के चिक्स हो गए हैं, तो अभी अजान भी हो रही है फ्रेंड। तो ये छोटी सी वीडियो थी, मेरे पास यही बताने का मकसद था कि इस धोखे फ्रॉड से बचिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।